जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार हिमरक्षक यूट्यूब चैनल पर। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एचपी पुलिस कमांडो टेस्ट के लिए पहला हिंदी का मॉक टेस्ट पेपर। यह मॉक टेस्ट पेपर आपका प्रीवियस क्वेश्चंस एनालाइज करके बनाया गया है। जैसे एचपी पीएससी किस प्रकार के क्वेश्चन पूछेगा आपको पुलिस में, ठीक है, 20 क्वेश्चन रहेंगे। एंड ऑफ द वीडियो आपको अपना अपना स्कोर बताकर जाना है कि आपके 20 में से कितने मार्क्स आए हैं, ठीक है जी। पहला क्वेश्चन आपके सामने रहा, चलो अटेम्प्ट करो, शाबाश। निर्देश है, पहले से 5 क्वेश्चन आपके आपके शुद्ध वर्तनी वाले शब्द होंगे। आपने बताना है स्वाभाविक कैसे लिखते हैं, बताइए स्वाभाविक कैसे लिखते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। स्वाभाविक इस प्रकार से लिखते हैं। देखिए हमें बहुत से मैसेज आते हैं कि यार ये बताइए कि जो शुद्ध वर्तनी वाले शब्द होते हैं इन्हें हम किस प्रकार से लर्न कर सकते हैं या किस प्रकार से हमारे ये सही हो सकते हैं। तो आपको मैं सिर्फ और सिर्फ एक ही बात रिकमेंड करता हूं हमेशा और हमेशा कि एक वर्ड को, जैसे ये वर्ड है आपका स्वाभाविक वर्ड, इसे आप 5 बार लिख लीजिए, बस 5 बार आपने लिख लेना है। आपका ये कभी भी पूरी लाइफ में कभी भी गलत नहीं होगा। आपका ऑप्शन सेकंड बताना कौन सा, श्रीमान कैसे लिखते हैं हम, श्रीमान कैसे लिखते हैं, कौन सा सही होगा श्रीमान। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, श्रीमान हम इस प्रकार से लिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, टिप्पणी कैसे लिखते हैं, टिप्पणी कैसे लिखते हैं। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, टिप्पणी हम इस प्रकार से लिखते हैं। आपको ध्यान में रखना है प, दो प आते हैं, एक पूरा आता है, एक आधा आता है और न नल वाला नहीं आएगा, ठीक है, न नल वाला न नहीं आएगा, दूसरा न आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, निर्दोष कैसे लिखते हैं, निर्दोष कैसे लिखते हैं। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, निर्दोष हम इस प्रकार से लिखते हैं। आपको एक ही बात रिकमेंड करी है कि आपने ये शब्द देख देख कर ही 5 बार लिख लेना है, ठीक है, 5 बार लिख लेते हो, यदि आप किसी भी चीज को लिख लेते हो ना, वो सीधा का सीधा आपके दिमाग में छप जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, निरीक्षण कैसे लिखते हैं, निरीक्षण कैसे लिखते हैं। देखिए मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट इस प्रश्न में 50% ऑप्शन में कंफ्यूज होंगे, कौन कौन से, बी होगा या डी होगा, बी होगा या डी होगा। सभी के सभी स्टूडेंट ए और सी को निगलेक्ट कर पाएंगे। 50% रिस्क के साथ आपको अटेम्प्ट करना है बी या सी, बी या डी, बताइए बी या डी, निरीक्षण कैसे लिखते हैं। काफी क्लोज ऑप्शन थे ये, मजा आएगा आपको भी, जिसको पूरी नॉलेज होगी वही ये क्वेश्चन करेक्ट कर पाएगा। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, बी इज द करेक्ट आंसर। इस क्वेश्चन में मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट की बिकट गिर गई होगी, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, 6 से 10 क्वेश्चन, मीन अगले 5 क्वेश्चन आपके पर्यायवाची शब्द से लिए गए हैं। आपने बताना है उन्नति का पर्यायवाची शब्द क्या है, उत्कर्ष, उत्पत्ति, संपत्ति, कौमुद्री, बताइए उन्नति का पर्यायवाची शब्द बताना है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, उत्कर्ष, उन्नति का पर्यायवाची उत्कर्ष, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, उग्र का पर्यायवाची शब्द बताइए, उग्र का पर्यायवाची शब्द बताइए, अर्क, वेणी, द्युति, उत्कट, बताइए। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है आपका ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। देखिए यदि आपको टाइम कम मिल रहा है ना क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए, तो आप जैसे ही क्वेश्चन, जैसे ये आ गया आपका नेक्स्ट 8वां प्रश्न आ गया, आप यहां पर वीडियो पॉज कर सकते हैं और अपना टाइम लेकर अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। लिपिक का पर्यायवाची शब्द बताना है, प्रतिशक, नेक्स्ट है प्राणक, अक्षरचन, नेक्स्ट चारण, बताइए क्या होगा लिपिक का पर्यायवाची शब्द, बताइए। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन
सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, अक्षर चंद। नेक्स्ट, जुकाम का प्रावची शब्द बताना है, पादिर, वर्तिका, अपसरमार, अपस्मार, चानिका, ठीक है, चानिका, बताइए। सभी को पता है ठंड का मौसम जा रहा है, गर्मी का आ रहा है, मौसम परिवर्तित हो रहा है, इसलिए ही आपको जुकाम का पर्यायवाची शब्द पूछ रहा हूं, ठीक है, बताइए जुकाम का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। तो याद रखिएगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, पादिर होगा, ठीक है, क्या होगा, पादिर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, रस्सी का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, पादुका, रज्जू, आयसी, चषक, बताइए। तो याद रखिएगा रस्सी का पर्यायवाची शब्द है ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, रज्जू, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर 13 तक, 11 से 13 तक आपके होंगे मुहावरे से लिए गए क्वेश्चन है, मुहावरे का सिंपल सा अर्थ बताना है आपको, ठीक है। ठिकाने लगाना, पहला मुहावरा है ठिकाने लगाना, क्या अर्थ होता है, मारना, मर जाना, मारकर गिरा, गिरा देना, चुपचाप हजम कर जाना। देखिए आपने मोस्ट ऑफ द फिल्मों में, पिक्चर्स में, मूवी में ये आपने डायलॉग सुना होगा, या उसको विलन बोलता है, ठीक है, विलन बोलता है, जा उसको ठिकाने लगा दे, तो ठिकाने लगाने का अर्थ क्या होता है, जा उसे मार दे, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, उसको मारने के लिए बोलता है उस वक्त विलन, ठीक है, जा उसको ठिकाने लगा दे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, घात में रहना, घात में रहने का अर्थ क्या होता है, बहुत चलाक होना, बुरा करने का अवसर ढूंढना, मरणासन होना। नेक्स्ट है कहीं का न रहना, बताइए। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, बुरा करने का अवसर ढूंढना, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, घात में रहने का अर्थ क्या होता है, बुरा करने का अवसर ढूंढना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, कागज भरना, कागज भरने का अर्थ क्या होगा, बिना मतलब की बातें करना, लिखने की हद करना, कर देना। नेक्स्ट है दिखावटी काम करना, व्यर्थ लिखना, कागज भरने का अर्थ होता है ऐसे ही फालतू में लिख रहा है, व्यर्थ लिख रहा है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, आपको बताना है नेत्रहीन में समास है, नेत्रहीन में समास है तत्पुरुष, अभिभाव, द्वंद, बहुव्रीहि, नेत्रहीन में, नेत्र से हीन, इस प्रकार से कौन सा समास होता है, नेत्र से हीन, जिसकी आंखें नहीं है, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, नेत्र से हीन तत्पुरुष, नेत्रहीन में कौन सा हो गया, तत्पुरुष। नेक्स्ट, लेखक का स्त्रीलिंग बताइए, लेखनी, लिखना, लेखिका या फिर लेखिका, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, लेखक का स्त्रीलिंग बताइए, लेखक का स्त्रीलिंग। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, लेखक का होता है लेखिका, ठीक है, लेखक का होता है लेखिका, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट को आता होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, सज्जन का बहुवचन है, सज्जन का बहुवचन है, सजना, सजनी, सज्जन, इनमें से कोई नहीं, बताइए। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है सज्जन का, सेम रहेगा, नो चेंज, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, सज्जन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, दाता का विपरीत अर्थ बताना है, विपरीत अर्थ आपको पता है ना कौन सा टॉपिक है, विपरीत अर्थ बोल लो या फिर आप विलोम शब्द बोल लो, बात एक ही है, ठीक है, विलोम शब्द आ जाए पेपर में या फिर विपरीत अर्थ आ जाए तो बात एक ही है, आपने अपोजिट बताना है, जो इंग्लिश का टॉपिक है एंटोनियम, ठीक है, एंटोनियम बताना है, अपोजिट अर्थ बताना है, जिसका अपोजिट है, दाता का अपोजिट क्या होगा, दाता का विलोम शब्द क्या होगा, कृपण, सुषुति, चढ़ाव, दरिद्र। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, कृपण। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, एस इस प्रकार से क्वेश्चन भी आपको ना
एचपीपीएससी पूछ ले रहा है, ठीक है, प्रीवियस ईयर हमने एनालाइज करे हैं उसके, तो इस प्रकार के क्वेश्चन भी पूछ रहा है एचपीपीएससी, तो ध्यान में रखिएगा इरेगुलरिटी का अर्थ बताइए। अगले तीन क्वेश्चन आपके इसी से लिए गए हैं, इसी टॉपिक से लिए गए हैं, सिंपल सा वर्ड का मीनिंग बताना है आपको, इरेगुलरिटी का अर्थ बताना है, अनाधिकारिक और अनियमितता, नेक्स्ट है अनुदर्शन, अपर्याप्तव्य, बताइए। तो याद रखिएगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, अनियमितता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 के बाद 19 का बताना है आपको, इंप्लीमेंटेशन, इंप्लीमेंटेशन नए सिरे से, परिरक्षा, प्रत्याशेप, कार्यान्वयन, बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो याद रखिएगा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है डेलीगेशन, डेलीगेशन शब्द का अर्थ बताइए, शिष्टमंडल, सामयिक, संभाय, नेक्स्ट है मुखिया, क्या होगा। तो डेलीगेशन का अर्थ होता है ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, शिष्टमंडल, याद रहेगा शिष्टमंडल, ठीक है। नेक्स्ट है, यहां तक ही क्वेश्चन थे हमारे, 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। अभी के अभी आपने कमेंट बॉक्स में, ठीक है, कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर बताना है मेरे को, कितने आए हैं 20 में से। यदि आपके 15 प्लस स्कोर है तो वेल एंड गुड, आपकी तैयारी अच्छी चली हुई है, इससे नीचे है तो आपको और मेहनत करने की आवश्यकता है, ठीक है। यदि आपको इस प्रकार से ही मॉक टेस्ट पेपर चाहिए, जैसे जैसे पेपर आएगा, अभी पेपर आने वाला है जेल ऑर्डर का, नेक्स्ट पुलिस का आएगा, आपको यहां पर हिमरक्षक पर आपको फुल मॉक टेस्ट पेपर भी करवाए जाएंगे, ठीक है। इसलिए अभी के अभी आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन जरूर प्रेस करना है कि ताकि आपको जब भी हमारी नई वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए, आपकी मिस ना हो वो वीडियो, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल करना है, लाइक करें वीडियो को, कमेंट कीजिए अच्छा सा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और कमेंट में अपने अपने मार्क्स लिखकर जरूर जाना है, और रेटिंग करनी है वीडियो को, गुड, वेरी गुड, एक्सीलेंट, ब्रिलियंट, जो भी आपने रेटिंग करनी हो रेटिंग करके जाओ। और इसके अलावा यदि आपकी कोई सुजेशन है कि यार मेरे को ये भी करना है, या इस चैनल पर ये भी आना चाहिए, ये सीरीज भी आनी चाहिए, वो भी आपने निश्चिंत रूप से आपने बता देना है, ठीक है। और ज्यादा से ज्यादा बच्चों में शेयर जरूर करना है वीडियो को, ताकि उनको भी पता चल सके कि हमारी एचपी पुलिस कमांडो टेस्ट की जो तैयारी है वो जोरों शोरों से स्टार्ट हो चुकी है। आपको यहाँ पर हिमरक्षक पर उनको सजेस्ट करना है और यहाँ पर लाना है, यहाँ पर आपको मॉक टेस्ट पर फुल, वो भी ठीक है, 90 मार्क्स के स्टार्ट होने जा रहे हैं कुछ ही दिनों में, 90 मार्क्स का फुल मॉक टेस्ट पेपर आएगा, और जेल वार्डर के लिए 100 मार्क्स का फुल मॉक टेस्ट पेपर यहां पर आएगा। हम प्लानिंग कर रहे हैं और रेडी हो चुके हैं लगभग मॉक टेस्ट पेपर, तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, आप खुश रहिएगा, पढ़ते रहिएगा, धन्यवाद, जय हिंद, जय हिमाचल।